आधे आधे करके करते देखो मृत्यु इसको बोलते हैं वज्रासन। क्या बोलते हैं? बोलो तो क्या बोलते हैं? वज्र आसन। बोलो फिर से। बोलो 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 वज्र आसन। देखिए ये एक ऐसा आसन है जिसको हम लोग कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे जो हमारा पाचन क्रिया है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्ट्रांग होता है। तो पाचन क्रिया स्ट्रांग होता है तो जो भी खाते हैं वो अच्छे से पचता है। उससे जो स्टार्च बनता है वो हमारे बॉडी में लगता है। तो अच्छे से नहीं पचता है तो वही हमारा फैट के फॉर्म में हमारे पेट में भले जमा होता है, ये भले मोटा होता है, उसके बाद और बहुत तरह तरह का बीमारी होता है। मतलब अच्छे से नहीं पचने के कारण बहुत बीमारी होती है। पहली बात तो ये है कि हम लोग खा लेते हैं उल्टा सीधा, ठीक है, और यदि वो पच जाए तो हम बच जाएंगे, नहीं बचेगा तो दिक्कत होगी। ये जो है हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करता है, इसलिए ऐसे बैठना चाहिए। खाने के बाद भी बढ़ सकते हैं आप, ये कभी बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वज्रासन। इसमें क्या होता है, पीछे जो पाँव है वो पूरा खुला होता है, इस तरह से देखिए ये पीछे पंजा जो है ये पूरा खुला होता है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ये कुछ अलग आसन है, ये बताएंगे क्या आसन है। ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, ये हो गया, इसको बोलते हैं वज्रासन, ठीक है। चलिए, इसका बहुत बेनिफिट है वज्रासन का। ऐसे हम लोग को आसन कभी कर सकते हैं, 24 घंटे कभी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, ये ऐसा आसन है, ठीक है। वापस आ जाओ, अब आ जाओ पद्मासन में, इस तरह करके इसको ऊपर एक के ऊपर एक करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा बॉडी बैलेंस होता है, हमारा शरीर जो है इससे हमारा शरीर स्लो होता है। इसको उठाना है, आप देखते होंगे जब कोई लोग साथ लोग ध्यान करता है तो ऐसे बैठता है, इस तरह ऐसे बैठता है, ध्यान करता है, बहुत अगर मुद्रा होता है वो हाथ को बंद करता है, इसको यहाँ कोई हाथ करता है तो वो अलग टॉपिक है। हमें यहाँ से बढ़ना है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फिंगर को इस तरह से, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना अच्छा माना है, ऐसे करते हैं। उसके बाद जो है देखिए फिर क्या करते हैं, बॉडी को और अपने कलाई को और कंधा को मजबूत करने के लिए इस हाथ को यहाँ रखते हैं, ठीक है। ध्यान दो नंदनी, करो तुम भी कर सकते हो, ये करना है हाथ नहीं, हाथ को यहाँ रखे, बड़ा क्या ध्यान देना है, यहाँ को यहाँ ऐसा रखेंगे, इस बॉडी को इसके ऊपर उठाएंगे, देखिए बॉडी को उठाएंगे ऐसे करके और झूलेंगे इसको, बाबू करो तो लोग कलाई स्ट्रांग होता है, हाँ ये वाला पार्ट रिस्ट हमारा है, ये पार्ट स्ट्रांग होता है, कंधा हमारा स्ट्रांग होता है और बॉडी हमारा स्लोल होता है, ठीक है। आसन हुआ, इसके बाद देखो ये सब आसन हुआ है जो हम लोग बैठ के कर सकते हैं, घर में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, हॉल में बेड पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसे खोल लेंगे। अब मान लीजिए कोई बचपन से नहीं किया ये सब आसन, तो वहाँ पे फैट जमा हो गया है, पेट थोड़ा भारी हो गया है, उसके लिए उसको बोलते हम लोग पाद पश्चिमोत्तासन। मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करेंगे, ऐसे बैठेंगे, पहले अपने दोनों हाथ से दोनों घुटना ये अंगूठा को उसे पकड़ेंगे, छुओ भाई प्रयास करेंगे इसको नाक से घुटना को यहाँ छूने का, ऐसे करके करो सरकारी को नहीं होगा तो ऐसे करके धीरे झटका देंगे, ऐसे करके बढ़ाएंगे इसको, ये 5 से 7 दिन के बाद जो है इतना होने लगेगा। जब ये टच हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस हाथ को खोल करके यहाँ पकड़ेंगे और अपने नाक को दोनों घुटना के बीच में डालेंगे, ऐसे करते क्या है, इसके बाद इस केहनी को यहाँ सटाएंगे दोनों तरफ, ऐसे करते देखिए, ऐसे करके ये पकड़ लिए, केहनी को लगा दिए और नाक को इसके अंदर घुसा देंगे, इसको बोलते हैं पाद पश्चिमोत्तासन, इसका नाम है, बहुत बेनिफिट है इसका, सबका बेनिफिट अलग से बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है बेनिफिट लगे तो, इसका बहुत बेनिफिट है। इसके बाद इसी में क्या है, इसको आप ऐसे मोड़ लीजिए, जिसका पूरा बेंड नहीं हो रहा है ऐसे मोड़ लीजिए, आधा आधा कीजिए, एक पाँव से इस पाँव से कीजिए, जिसका नहीं मोड़ता है उसके लिए इस पाँव से कीजिए, तो बहुत बेनिफिट होगा, धीरे धीरे वो बेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पाद पश्चिमोत्तासन। इसी में क्या है, हाथ को पीछे करके इस तरह से हाथ पीछे करके इसको उठाते हैं, ये वाला पाद इस तरह करते हैं।
ये हुआ बर्न करने वाला एक्सरसाइज, ठीक है। अब है कि लेट जैसे लेट करने वाले की ऐसे लेट जाएंगे पूरा इस तरह से और हाथ को यहाँ रखेंगे, इसको बोलते हैं श्वास आसन या इसको बोलते हैं मरणासन, डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी, डेड बॉडी पोस्चर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डेड बॉडी पोस्चर। जैसे लोग मर जाते हैं तो ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे लेटा पड़ता है बड़ा हवा में। अब बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है, आराम से इसमें नॉर्मल ब्रीथ करना है, ऐसा नहीं बस आँख बंद करके ब्रीथ करना है लगभग एक मिनट, इससे बॉडी पूरा रिलैक्स होगा आपका। या दो तीन आसन करने के बाद बीच बीच में रेस्ट लेने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए उसको बोलते हैं उत्थान पदासन, मतलब पाँव को उठाना इस तरह करके, ऐसे उठा करके 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 20 एक मिनट जितना आपसे हो सके उतना रखते हैं। इससे आप कहेंगे तो पार्ट है ये पाचन शक्ति बढ़ता है, ज़्यादा फैट कम होता है। अब इसके पास है उसको बोलते हैं नौकासन, मतलब हाथ भी उठाएंगे जब पाँव भी उठाएंगे ऐसे करके, इसको बोलते हैं नौकासन, नौ के तरफ। देखिए नौ ऐसा होता है ना, दो तरफ उठा होता है बीच में फ्लैट होता है नौ, जो है नौकासन, बोट पोस्चर। इसके बाद पाँव को ऐसे ऐसे करते हैं पाँव को, और हाथ दोनों हाथ से इसको पाँव को यहाँ ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ठीक है। और इसको जो कमर है इसको ऊपर उठाते हैं, इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। सेतु है लेकिन वो बंद है, कि बीच में नदी है, ये पार्ट नदी हो गया और ये सेतु हो गया, इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन, पुल ब्रिज। सब आसन का बहुत बेनिफिट है, ये हो गया। इसके बाद वापस फिर से आ जाएंगे श्वास आसन में, मरणासन में, या कैसे आ जाएंगे आप, इसको पौंक उठाते हैं इसको बोलते हैं अर्धहलासन, या आधा हुआ आधा उठाए पौंक को, इसको बोलते हैं अर्धहलासन। जब तो पूरा उठा देंगे ऐसे करके, इसको बोलते हैं हलासन। हाँ उलट जाएंगे करो, ये हो गया हलासन। जो आ जाए पाए पौने सब पीछे दिखा देता है। अब जब पौंक को पीछे करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं सर्वांगसन। ये तो नाक से घुटना को सुना है, देखिए ऐसे करके घुटना मुड़े नहीं, जैसे मुड़ा है जो घुटना, घुटना सीधी रहे, नाक से टच करें, फिर तुम्हें घुटना को कान के पास मोड़ना है ऐसे। मुड़े ना इसको बोलते हैं कर्णासन, कर्ण का आसन। बाबू थोड़ा हट जाओ, ये हो गया। वापस से फिर आ जाइए श्वास आसन में, डेढ़ बड़ी पोस्चर में वापस आ जाएंगे इस पोस्चर में, आराम से रिलैक्स होंगे। जैसे आदमी का ऑपरेशन होता है तो फिर उसमें जब नहीं उठे होश आए भी नहीं है तो वह सांस चल नहीं पाता। इसके बाद तो आसन है ये सबको नहीं करना है, जिसको है बीपी वगैरह है उसको नहीं करना होता ये आसन, इसको बोलते हैं शीर्षासन, सर पे खड़ा हो जाना, ठीक है। इसमें बहुत बेनिफिट है, सबका बेनिफिट बाद में बताएंगे क्योंकि अभी टाइम कम है। इसको बोलते हैं शीर्षासन, सर के बल पे सर के ऊपर आपको खड़े हो जाना है, सर भी खड़ो हाथ पर ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसे रखेंगे उसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर दिखाएंगे तकिया बनाना है। देखिए टाइम को हम बॉडी को थोड़ा ऊपर धकी देंगे आधा ऊपर करके, बाबू करो बाबू तो पटका जाएगा। वाह 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 वाह, देखो देखा बाबू उसका देखो साइज, एक देखो कैसे खड़ा हो वही तो पहला पहले ही बोल रहा था। ये पहला स्टेप है, इसके बाद आप इसमें रह करके